My name is Raina Deb. I am in class 1, section 1. आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ, बंदर मामा। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत डराए। ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत डराए। रसगुल्ले पर जी लचाया मुंह में रखा गब से। रसगुल्ले पर जी लचाया मुंह में रखा गब से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल के लब से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गए लब से। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। फेंकी टोपी फेंका जूता रोए वापस आए। फेंकी टोपी फेंका जूता रोए वापस आए। धन्यवाद। मैं मसला प्रथम कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं बंदर मामा का कविता सुनाने जा रही हूँ। बंदर मामा। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए। नीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। नीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर चीलन चाहे मुँह में रखा गप से। रसगुल्ले पर चीलन चाहे मुँह में रखा गप से। नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से। नरम नरम था गरम गरम जीभ जल गई लप से। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए। फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। फेंकी टोपी फेंका जूता रोए और पछताए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षिकागण एवं प्रिय सहपाठी, दूसरी कक्षा की छात्राएं कविता पाठ करने जा रही हैं। इस कविता में चिड़िया रानी दूर देश को उड़ती है और हमारे मन में भी उड़ने की इच्छा जागृत करती है। आइए इस कविता का आनंद उठाते हैं। चिड़िया रानी। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, हमें सुनाओ एक कहानी। क्या तुम दिन भर करती हो, कहाँ कहाँ तुम उड़ती हो। जब तुम जाती धूल आकाश, क्या जाती चंदा के पास। सागर तट जब तुम जाती हो, किससे मिलकर तुम आती हो। दूर देश भी क्या तुम जाती, लंदन पेरिस घूम के आती। काश जो होते मेरे पंख, उड़ती मैं चिड़िया के संग। कवित्री गिरिजा रानी अस्थाना। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा मसूद है। मैं क्लास 2 सेक्शन 2 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने वाली हूँ, जिसका नाम चिड़िया रानी है। चिड़िया रानी, कवित्री गिरिजा रानी अस्थाना। चिड़िया रानी, चिड़िया रानी, हमें सुनाओ एक कहानी। क्या तुम दिन भर करती हो, कहाँ कहाँ तुम उड़ती हो। जब तुम जाती दूर आकाश, क्या जाती चंदा के पास। सागर तट पर जब तुम जाती हो, किससे मिलकर तुम आती हो। दूर देश भी क्या तुम जाती, लंदन पेरिस घूम के आती। खास होते मेरे पंख, उड़ती मैं चिड़िया के संग। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धृति रॉय, कक्षा 3, वर्ग 2। आज मैं आपके सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है ऐसा क्यों होता है। प्यारी माँ, अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता समझाओ। सुबह सुबह सूरज उगता, चंदा क्यों छिप जाता है। रोज रात को चाँद चमकता, सूरज क्यों खो जाता है। क्या दोनों आपस में लड़ते, तभी नहीं वे बोला करते। मेरे बेटे, तू है भोला, ये धरती है बड़ा सा गोला।
घचक चाट चमकता सूरज दूजी तरफ निकलता। ऐसे ही होते दिन रात नहीं लड़ाई की कुछ बात। कवित्री गीता अग्रवाल, धन्यवाद। मेरा नाम है हेमा किशन। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ, जिसका नाम है ऐसा क्यों होता है। कवित्री है रीता अग्रवाल। प्यारी माँ, अब मुझे बताओ ऐसा क्यों होता है, समझाओ। सुबह सुबह सूरज उगता, चंदा क्यों छिप जाता है, रोज रात को चंद चमकता। सूरज क्यों खो जाता है, क्या दोनों आपस में लड़ते, तभी नहीं वे बोला करते। मेरे बेटे तू है भोला, यह धरती है बड़ा सा गोला। एक जगह जब चांद चमकता, सूरज दूजी तरफ निकलता। ऐसे ही होते दिन रात नहीं लड़ाई की कुछ बात। धन्यवाद। बादल, कवि डॉक्टर श्री प्रसाद। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कमल लगते कितने सुंदर बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़ बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाग पर, उसी भाग से ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमका, अंधेरे में राह दिखाए। मोर मगन मन चन 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 झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं शांभवी बैनर्जी चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं कविता बादल के ऊपर सुनाने जा रही हूँ। बादल, कवि डॉक्टर श्री प्रसाद। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, कैसे बादल आकर छाए। हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए, जैसे काले कमल लगते कितने सुंदर बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकर गए भाव पर, उसी भाव से ठंडक पाई, बादल बरसे बरखा आई। करते गड़गड़ बातें बड़बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन छनन छनन छन झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश हो गाना गाए। धन्यवाद। भात, आदरणीय सिस्टर्स, प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम सोहिनी पाल है और मैं कक्षा 5 भाग 1 की छात्री हूँ। आज मैं आपके समक्ष जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश और इसके कवि है सोहनलाल द्विवेदी। प्रकृति का संदेश, कवि सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ किरकिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदु उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नप कहता है फैलो इतना, ठग लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। प्रकृति का संदेश, कवि सोहनलाल द्विवेदी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहते हैं, उठ उठ गिर तरल तरल, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़, जितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार।